आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लुधियाना ब्लास्ट पर बोले सीएम चन्नी, राजनीतिक साजिश की जताई गई आशंका। करीना कपूर के सैंपल की हुई जीनोम सीक्वेंसिंग, नहीं मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर होगी, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं का अनुमान। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में भी नाइट कर्फ्यू, शादियों में 200 लोगों को अनुमति। उत्तर प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। भाजपा का जन विश्वास यात्रा मिर्जापुर पहुंची, जिसका नेतृत्व प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया। इस दौरान पार्टी सेंटर में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार माफिया और गुंडों को जेल में डालने का काम कर रही है। आगे उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समझ नहीं आता है कि अगर बुलडोजर चलता है तो सपा के मुखिया का पेट क्यों फूलता है। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और चुनाव विधायक अनुराग सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों का भी जमकर बखान किया। और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा करके चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि इन सब के पास में आज प्रत्याशी इनको नहीं मिल रहा है। 5 साल में जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी का समन्वय पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण बना है यूपी, और जिस प्रकार से हमारा पूंजी निवेश बढ़ा है, जिस प्रकार से उद्योग धंधे लगे हैं, जिस प्रकार से नौकरियां दी गई हैं, जिस प्रकार से किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, वो पूरा 40 सालों में पंच नदियों को जोड़ने का किसी ने नहीं किया था, सरयू परियोजना को पूरा करने का किसी ने नहीं किया था, बीजेपी ने किया है। आज खाद की उपलब्धता। रायबरेली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विवादित बयान दिया है। दरअसल गौरव भाटिया हरचंदपुर के जनपद इंटर कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्ना को मानने वाले लोग यूपी से चुनाव न लड़े, यूपी में योगी के आगे कोई टिक नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भाजपा प्रदेश 325 सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी का युवा प्रकोष्ठ जिस तरह से अपनी ऊर्जा यहां दिखा रहा है, उसने संकल्प लिया है कि पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 325 से ज्यादा सीटें आगामी विधानसभा। खबर संभल के बबैना से है, जहां जांच के दौरान स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक पवासा योगेश शुक्ला ने बताया कि राशन डीलर के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की गई तो स्टॉक में 22 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल चावल कम पाया गया, जिसके चलते राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बबैना में 16 तारीख को मैंने 16 दिसंबर को आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें दुकान बंद मिली। मैंने डीलर से संपर्क किया और पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी हम दवा लेने जा रहे हैं मुरादाबाद। फिर मैंने कहा चलिए हो सकता है समय। 17 तारीख को पुनः गया वहाँ पे, मैंने कहा कि आप कहाँ हो, तो कह रहा है कि साहब मेरी जाँच मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। तो मुझे शक हुआ, शक के आधार पर हमने उच्चाधिकारियों को सूचित कर वहाँ पर सील कर दिया दुकान को। उसके बाद ही नहीं हुआ तो मैं एसडीएम साहब की अनुमति से 22 तारीख को सील खोला। सील खोलने के बाद उसके स्टॉक में जब भौतिक सत्यापन किया गया तो 22 कुंतल गेहूं और 30 किलो 10 कुंतल चावल ये कम पा गया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए मैंने एसडीएम साहब से और डीएम महोदय।
खबर फतेहपुर से है, जहां पर बकेवर कस्बे में जन विश्वास यात्रा के तहत कार्यस्थल में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी पहुंचे। 2017 में जिस तरह मिशन कामयाब हुआ था, 2022 में होने वाले चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के तहत पूरे प्रदेश में विकास यात्रा जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली। आपको बता दें कि ये विकास यात्रा अलग अलग जिलों में जा रही है, जनता से संवाद कर रही है। वहीं अब फतेहपुर में भी जन विश्वास यात्रा के तहत कार्यस्थल में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री भी पहुंचे, जनता से संवाद किया, जनता को संबोधित किया। 2017 में जिस तरह से मिशन कामयाब हुआ था, 2022 में होने वाले सभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के तहत पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया गया। तो अलग अलग जिलों में जा रही है जन विश्वास यात्रा, ये पूरे प्रदेश के अंदर है। और आज उसी के तहत आज 24 तारीख है और हमारे जहानाबाद विधानसभा में चौड़गरा से ये यात्रा प्रवेश करेगी और पहुर होते हुए ये यात्रा बकेवर में जनसभा के रूप में होगी। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जो हम लोगों ने 5 साल के अंदर काम किया है, जनता के अंदर भरोसा और विश्वास है, उस विश्वास को कार्य रूप में परिणत है कि नहीं है, इस बात के लिए जन विश्वास यात्रा है कि लोग इस यात्रा में आकर के अपने भरोसा और विश्वास की सरकार ने जो काम किया है उसके लिए जनता तैयार है, समर्थन में बिल्कुल तैयार है कि 2022 पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार का लक्ष्य है कि पुनः उसी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, जैसे 325 सीटें हमें 2017 में मिली थी, पुनः 325 सीटें। खबर गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र के कालूपुर तिराहे की है, जहां जाम लगने के विवाद में ग्रामीणों ने जनसंख्या समाधान यात्रा पर हमला बोलते हुए यात्रा में शामिल हुए लोगों से मारपीट करते हुए गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। इस हिंसक झड़प से यात्री शामिल थे और कई लोग घायल भी हो गए, जबकि यात्रा में शामिल लोगों ने हमले के पीछे सपा नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया। जनसंख्या समाधान यात्रा निकल रही थी, इसमें जाम की स्थिति से ही झगड़ा हो गया है और उसी में मारपीट हो गई, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। उसी में से बैठे हैं, हमने उनसे बात किया है तो बोले सर हम लिख के दे रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है आप लिख के दे दीजिए, जिसकी भी गलती होगी मैं उस पर। उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के अंतर्गत ये जनसंख्या समाधान यात्रा निकल रही है 4 दिसंबर से। आज 51वां जिला है गाजीपुर, लगातार शांतिपूर्वक ये यात्रा चल रही है, लोग भी शांतिपूर्वक और वहाँ का प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से इसे निकलवा रहा है। हम लोग चंदौली से आज सुबह चले, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने से पहले हमें लगा कुछ असामाजिक से लोग हैं जो बार बार गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं, और यहाँ पीछे आने के बाद रथ को ओवरटेक करके, जो हमारा पवित्र रथ है उसे ओवरटेक करके, समाजवादी पार्टी की दो गाड़ियाँ जिन पर झंडे लगे हुए थे समाजवादी के, उसमें 12 लोग थे, 10 हों 11 हों 12 हों 13 हों, 10-12 लोग थे, सभी पे लाठी डंडे और पूरे हथियार उनके साथ थे, सरिया इनको मारा सरदार साहब को, वो सारे लेके उन्होंने रथ ड्राइवर को रोका है। उसके बाद में ममता सहगल जो राष्ट्रीय संयोजक है उनके ऊपर हमला हुआ है, सरदार जोगेंद्र सिंह हैं सरदार साहब, उनकी पगड़ी उतार के नीचे जमीन में गिरा गिरा के मारा है। मैं अध्यक्ष होने के नाते सामने आया हूँ, सारा टेक ओवर किया है, उन लोगों ने सबको फिर छोड़ के बुरी तरह से गिरा के ऊपर से पत्थरों से कुचल कुचल के मारने का प्रयास किया है। खबर मैनपुरी के कुरावली मोहल्ला सराय की है, जहां पुरानी लहसुन मंडी जीटी रोड के किनारे खाली पड़े प्लांट में एक युवक शौच के लिए गया हुआ था, तभी कूड़े के ढेर पर पैर रखते ही अचानक उसमें एक बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़ ने आनन फानन में घायल को CHC में भर्ती कराया, जहां से उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल विस्फोट किस कारण से हुआ ये अभी निकल कर सामने नहीं आया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पेशेंट असलम है, इनके पिता का नाम शौकी है, ये शौच करने के लिए गए थे, वहाँ पे जो है कुछ बता रहे थे, इनके बताने के अनुसार ये कि कुछ ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से ये जल गए और काफ़ी जले हुए हैं, लगभग
68% करीब बाढ़ में, तो अभी इनको जो है प्राइमरी केयर में करके रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल से। सर कहाँ पर रेफर करा है सर? तो कूड़े के ढेर में विस्फोट हुआ है, विस्फोट की एक खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। शौच के लिए व्यक्ति बाहर गया था, जहां कूड़े के ढेर पर पैर पड़ते ही विस्फोट हो गया। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि किस वजह से या किस चीज की वजह से ये विस्फोट हुआ है, लेकिन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये खबर मैनपुरी के कुरावली मोहल्ला सराय की बताई जा रही है। पुरानी लहसन मंडी जीटी रोड के किनारे खाली पड़े प्लांट में एक युवक शौच के लिए गया था, तभी कूड़े के ढेर पर पैर पड़ते ही अचानक उसमें बड़ा धमाका हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया युवक। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास में अफरातफरी मच गई। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुनीश मिश्रा जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुनीश, अभी तक क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? जानकारी है कि कुराली क्षेत्र का युवक था, सुबह शौच के लिए गया हुआ था, तो उसी समय उसने पैर रखा, पता नहीं क्या था, धमाका तेज हो गया। उसकी हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है, अभी हालत स्थिर है। जी मुनीश, जिस तरह का धमाका देखने को मिल रहा है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही, क्या लगता है किस तरह का धमाका था ये? धमाका आपको बताऊं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस प्रकार का है। हालांकि जांच चल रही है, पुलिस ने जो है सैंपल वगैरह लिए है और जांच चल रही है, वो अभी एक दो दिन में क्लियर होगा। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट दूंगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी मुनीश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि घटनास्थल पर उस वक्त क्या और भी लोग मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? उनके नजदीक कोई नहीं था, जब धमाका हुआ है उस धमाके की आवाज सुन करके काफी लोग आ गए हैं। जब तक वो झुलस गए थे, घायल हो गए थे, तब उन्हें तत्काल जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। जी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था, वो अकेले ही जा रहे थे, सुबह का समय था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुनीश जुड़े थे मैनपुरी से। मऊ में कांग्रेस नेत्री पूजा राय की घोसी में होल्डिंग्स लगाई गई है, क्षतिग्रस्त किए जाने से कांग्रेसियों में नाराजगी भी बढ़ गई है। पूजा राय ने फेसबुक पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता अजय जायसवाल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद कांग्रेसियों का दल कलेक्ट्रेट पहुंच गया। कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, साथ ही होल्डिंग नगर पंचायत से अनुमति लेकर टांगी गई थी, ये बात भी सामने आई है। उनके आगे कोई आ ही नहीं सकता, तो वो इतने गंदी हरकतों पे उतारू हो गए हैं कि उनके लोग होर्डिंग फाड़ रहे हैं, तरह तरह के गलत जैसे वॉल पेंटिंग है उस पर वो लोग कचरे डाल दे रहे हैं, तो ऐसी ऐसी हरकतें आ रही हैं, तो उसके बेस पे हमने हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। तो कहाँ पे पोस्टर फाड़ा? एक सर्वोदय डिग्री कॉलेज के साथ मेरा फाड़ा गया है और एक मजवाड़ा मोड़ पे आप ही का। ये कैसे कर सकते हैं कि वही लोग खा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो ठेके पे है और ठेके वालों ने उन्होंने अपना लगाया। हाँ, अपना जैसे कि अजय जायसवाल जी हैं, तो उन्होंने अपना होर्डिंग लगवा दिया, तो ये चीजें वो ठेके पे खड़ा गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।